हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरी वन, माई नेम इज़ निकिता चौहान एंड यू आर वॉचिंग लर्न विद निकी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट बात की थी सिटीजनशिप के बारे में, आज बात करेंगे पार्ट सेकेंड। सो सिटीजन्स क्या होते हैं? सिटीजन वो लोग होते हैं जिनके पास इस कंट्री की फुल मेम्बरशिप हो और तो और सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स भी हों। अच्छा, सिविल राइट्स कैसे? आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, आर्टिकल 16 इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ये हो गए सिविल राइट्स, और आर्टिकल 326 जो है वोट एंड कॉन्टेस्ट के बारे में, वो हो गया पॉलिटिकल राइट। ये सारे राइट्स खाली एक सिटीजन के पास होते हैं, कोई फॉरेनर्स के पास नहीं। अच्छा, सिटीजन के अलावा कौन कौन होते हैं? फॉरेनर्स, जैसे मैंने बता ही दिया। अब फॉरेनर्स में भी दो होते हैं, एक तो फ्रेंडली जैसे कि USA और क्या क्या ले लो, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एनिमी एलियन कैसे होते हैं? एनिमी एलियन वो होते हैं जिनके साथ हमारी ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर हो रखी हो। अब चाइना या पाकिस्तान मत बोल देना, वो अभी एनिमी एलियन नहीं है, उनके साथ एक ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर हो रखी हो तो वो होते हैं एनिमी एलियन, ठीक है। अभी इंडिया की किसी के साथ भी ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर नहीं है। सो पार्ट सेकेंड के बारे में हमने बात कर ली, जिसके अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 थे, जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस टाइम पे किसी किसी सिटीजनशिप मिलेगी उससे डील करते हैं। पर अब हमें तब किसी सिटीजनशिप मिली उससे हमें क्या, अब किसी सिटीजनशिप मिलेगी वो मैटर करता है ना। तो इसके लिए बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के बारे में। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 दो चीज़ों से बात करता है, एक्वाइजेशन और टर्मिनेशन। अच्छा, पार्लियामेंट को ये पावर किसने दी कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे सिटीजनशिप में और ये लाए? ये पावर पार्लियामेंट को मिली आर्टिकल 11 से। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्ड में कोई भी लॉ बनाए और कोई भी लॉ हटा दे, ठीक है। तो इसके पावर से मिला ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसी का रिजल्ट है कि सिटीजनशिप अभी तक टोटल 6 बार अमेंड हो चुकी है, और सबसे रिसेंट अमेंडमेंट है 2019 का अमेंडमेंट। तो एक्वाइजेशन के 5 वेज और टर्मिनेशन के 3 वेज। ये 5 वेज कौन से हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटरी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगी, पर शॉर्ट में समझ लो, अभी इंट्रो है ये। टर्मिनेशन में 3, बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रिवेशन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ। सो इसके अंदर ये सारी जो डेट्स है ना, ये आप लर्न कर लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एज इफ आपको डेट तो नहीं पूछ जाएगी यूपीएससी में, बट पीसीएस वगैरह में पूछ सकते हैं। सो 26 जनवरी, ये जो साइन है ना उसका मतलब है को या उसके बाद, ऑन और आफ्टर, और ये इसका मतलब है उससे पहले, बिफोर। सो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले तक अगर कोई इंडिया का सिटीज़न है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके पेरेंट्स कहाँ के हैं, मतलब उनके पेरेंट्स कहीं के भी हों, अफ्रीका के क्यों ना हो, साउथ अफ्रीका के क्यों ना हो, इसराइल के क्यों ना हो, बस वो इंडिया में विजिट करने आए और उस बेबी का बर्थ इंडिया में हुआ तो उसे मिल जाएगी इंडिया की सिटीज़नशिप, उस बेबी को, उस माइनर को, ठीक है। ऐसा कहता है सिटीजनशिप बाय बर्थ का फर्स्ट, जो चला 1987 तक, जुलाई 1987 तक। सो अब फर्स्ट जुलाई 1987 को या उसके बाद 1 दिसंबर 2004 तक अगर किसी का बर्थ इंडिया में हुआ हो तो उसका एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए, ठीक है, दो नहीं एक। अगर मदर इंडिया की हो और फादर किसी और कंट्री के, एग्जांपल पाकिस्तानी ले लो, अगर कश्मीर में रहते हैं तो मदर इंडिया की हो गई, फादर पाकिस्तान के हो गए, तो अगर ऐसा है तो भी वो जब बर्थ होगा बेबी का वो उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, भले ही वो इलीगल माइग्रेट ही क्यों ना हो। मतलब इलीगल माइग्रेट वो होते हैं जो बिना पासपोर्ट के आ गए, ऐसे तारों के नीचे से आ गए, बॉर्डर क्रॉस करके ऐसे भीड़े चलाते चलाते, वो होगा इलीगल माइग्रेट, बिना वैलिड पासपोर्ट के जो आए वो होता है इलीगल माइग्रेट, ठीक है। सो अगर ऐसा कोई है तो भी चलेगा, एक लीगल होना चाहिए, पर एक इंडियन होना चाहिए, ऐसा ये कहता है। फिर 2004 3 दिसंबर को या उसके बाद से लेके अभी तक अगर कोई पर्सन इंडिया में उसका बर्थ हुआ है और उसे सिटीजनशिप बाय बर्थ चाहिए तो उसके
दोनों पेरेंट इंडिया हो, इंडियन हो, या तो एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा जो पेरेंट है ना वो इलीगल माइग्रेट ना हो। अब इलीगल माइग्रेट मैंने क्या बोला, वो लोग जिनके पास एक वैलिड पासपोर्ट नहीं होता, और अगर होता भी है तो उस पासपोर्ट की डेट एक्सपायर हो चुकी होती है एंड वो उस डेट के बाद भी इंडिया में रहता है। और ये इलीगल माइग्रेट कब ना हो, एट अ टाइम ऑफ बर्थ, जब बेबी का बर्थ हो तब तो वो इलीगल माइग्रेट ना हो, ठीक है। सो ये हो गया बाय बर्थ, इसके लिए इतना ही जानना है। अच्छा एक और बात बता दूँ, ये जो इलीगल माइग्रेट वर्ड है ना, इसके बारे में 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बात की गई है। ये क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अब बात करते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट के। डिसेंट मतलब क्या, उसका बर्थ इंडिया में नहीं हुआ बट उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, किसी का बर्थ इंडिया में हुआ है एंड उसे अपने पेरेंट्स की वजह से सिटीजनशिप मिली है। सो बाय डिसेंट की बात करें तो जो पर्सन 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, बट 10 दिसंबर 1992 से पहले बर्थ हुआ है इंडिया के बाहर बट उसके फादर इंडियन है तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय डिसेंट। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट आया क्योंकि ये फादर था तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो करता था, इसलिए 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद बट 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर इंडिया में बर्थ हुआ है तो उसके मदर या फादर कोई भी एक इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। फिर 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद से लेके अभी तक अगर उसके मदर या फादर कोई भी इंडियन हो तो प्लस में उन्हें एक अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि जब हमारा माइनर बड़ा हो जाएगा तो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा जब बल्कि इंडियन सिटीजन रहेगा वो, तो ये अंडरटेकिंग उसके पेरेंट को लेनी पड़ेगी, ठीक। अब ये जो माइनर है ना, जब ये 18 का हो जाएगा तो उसे 18 साल के अंदर प्लस 6 महीने का टाइम मिलेगा, उसके अंदर अंदर वो इंडिया के डिप्लोमेट को कह दे कि हाँ मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, ठीक, तो वो हो जाएगा इंडिया का सिटीजन बाय डिसेंट। सो उसके बाद आता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है, जैसे कि अगर वो कॉमनवेल्थ के हों या वो फॉरेनर्स हों जिन्होंने इंडियंस के साथ शादी की हो या इंडियन ओरिजिन के हों, माइनर चाइल्ड हो इंडियन पेरेंट्स के या OCI हो, इन लोगों के लिए होता है ये रजिस्ट्रेशन। और इसके अंदर क्या होता है कि 6 ईयर आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद 1 साल कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा और उसके बाद आपको एप्लीकेशन देनी होगी। तो ये 6 ईयर्स है ना, ये मे बी डिसकंटिन्यू भी हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा होने चाहिए पर ईयर्स डिसकंटिन्यू हो तो, प्लस 1 साल रजिस्ट्रेशन से पहले बिफोर एप्लीकेशन। और सिटीजनशिप ये जो ऊपर की जो पूरी लिस्ट है ना वो सारी पढ़ लेना, उसके अंदर है रजिस्ट्रेशन के बारे में। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, इसके अंदर टोटल 12 ईयर्स रहना पड़ता है। इसके काफ़ी सारे नेचुरलाइजेशन के अंदर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी और कंट्री के सिटीज़न ना हो, और अगर आप किसी कंट्री के सिटीज़न हो तो जब आप सिटीजनशिप ले रहे हो इंडिया की, बाय नेचुरलाइजेशन आप उसे छोड़ दो उस कंट्री की सिटीजनशिप को, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है सिंगल सिटीजनशिप की। दूसरा उसके अंदर है कि आप 11 ईयर्स से कम नहीं रहना चाहिए आपको इंडिया में, इंडिया में 11 ईयर्स तक तो आपको रहना ही पड़ेगा तभी आप इंडिया के सिटीजन होंगे, प्लस 1 साल रजिस्ट्रेशन से पहले आपका एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा आपके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए 8 शेड्यूल की किसी भी एक लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश को छोड़ के, मतलब इंडिया की जो टोटल लैंग्वेज है ना उनमें से किसी एक लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। और जो आपका जो इंटेंशन है वो इंडिया के अंदर रहने का होना चाहिए, जो आपका इंटेंट है वो इंडिया के अंदर रहने का होना चाहिए। और आप कोई अगर कोई ऐसे काम में पकड़े जाते हो जैसे कि अगर आप कोई एनिमी एलियन की हेल्प कर रहे हो तो आपकी सिटीजनशिप ले भी जा सकती है। तो ये सारे जो लॉज हैं वो नेचुरलाइजेशन पे लगते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर एक्विजाइजेशन। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन के बारे में, बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप मतलब टर्मिनेशन के बारे में। टर्मिनेशन के आर्टिकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में टर्मिनेशन के 3 वेज दिए गए हैं, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। तो रिनाउंसिएशन क्या होता है, वो एक वॉलंट्री एक्ट होता है, जैसे मैं एक फुल एज की पर्सन हूँ, मेरी मेंटल हालत वगैरह सब सही है और मैं अपनी कंट्री इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर रही हूँ, मुझे और इंडिया का सिटीजनशिप रहना ही नहीं है, ऐसा मैं कह दूँ तो ये एक वॉलंट्री एक्ट होता है, जिसका मतलब जिससे हमारी सिटीजनशिप एज अ रिनाउंसिएशन रिनाउंसिएशन कंट्री ले लेती है। फिर टर्मिनेशन क्या होता है कि अगर कोई इंडिया का सिटीज़न किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ऑप्टेन कर लेता है, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है
तो उसकी सिटीजनशिप बाय टर्मिनेशन छीन ली जाती है उस कंट्री के द्वारा, इंडिया के द्वारा। अगर मैं किसी और कंट्री कनाडा की सिटीजनशिप ले लूँगी तो इंडिया मेरी सिटीजनशिप छीन लेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, डबल नहीं। फिर आता है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन क्या होता है? अगर आप किसी गलत कामों में पकड़े गए, जैसे कि आप किसी एनिमी एलियन की हेल्प कर रहे हो, या अनलॉफुल कोई ट्रेड कर रहे हो, या आपने जो फैक्ट दिए थे रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन के अंदर वो गलत थे, और आप फ्रॉड पाए गए हो, अगर आपने जो वैलिड रीज़न दिया था इंडिया में रहने का वो सही नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आपकी सिटीजनशिप ले ले, छीन ले। और ये जो है ना, ये एक्ट ऑफ पनिशमेंट है। पहले जो बात की थी ना, वो पनिशमेंट नहीं थी, ये पनिशमेंट है। और अगर आप कभी एनिमी एलियन की हेल्प करते पकड़े जाओगे ना, तो वो जेल में भी डाल देगी हमारी पार्लियामेंट। बस यही था आज के बारे में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर ये वे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइए। एक्चुअली हेल्थ सही नहीं है, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही क्यों ना वीडियो अपलोड की जाए।